आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको तंदूरी चिकन मैक्रोनी की रेसिपी बताएंगे। बहुत क्विक है, बहुत जल्दी बन जाती है। हमने एक वीडियो डाला हुआ है तंदूरी चिकन, वो रेसिपी देख के आप तंदूरी चिकन तैयार कर सकते हैं, या फिर आप बोनलेस चिकन लेके उसको मैरिनेट करके पैन में सेक सकते हैं और फिर उसको श्रेड करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी में जो रेडीमेड तंदूरी चिकन आता है आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये, बच्चे बड़े सब लोगों को ये पसंद आती है। आज हमने डिनर में सब लोगों के लिए यही बनाया है कि क्योंकि सब लोगों की फरमाइश थी कि आज हम मैक्रोनी खाएंगे, तो मैंने तंदूरी चिकन के साथ उसको यूज़ करते हुए ये मैक्रोनी तैयार की है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके हम इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देते हैं कि हमने इसमें क्या क्या डाला है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये मैक्रोनी ली है, इसको हम बॉईल करेंगे नमक डाल के और तेल डाल के, और हम आपको दिखाते हैं। तो ये मैक्रोनी उबालने के लिए हमने इसको रख दिया है। 2 टेबलस्पून इसमें हमने तेल डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है ताकि इससे ये चिपकेगा नहीं। 1 प्याज लिए हमने और ये 750 ग्राम हमने ये टमाटर लिए हैं जिनको भी हमने ये पैन रख दिया है और इसमें 4-5 टेबलस्पून मैंने तेल डाला है। हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम ये चॉप अनियन डाल देते हैं। प्याज को हम ब्राउन ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट ही इसको रहने देंगे। अब इसमें हम ये टोमेटो प्यूरी डाल रहे हैं और इसको भून लेंगे 3-4 मिनट। मसाले में बस मैं ये नमक लिया है, मैंने 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और 1.5 टी स्पून मैंने लाल मिर्च लिया है। अब इसमें हम लाल मिर्च डाल दे रहे हैं, नमक डालेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे इन मसालों के साथ। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। और दूसरी तरफ हमारा मैक्रोनी उबल रहा है, अभी ये हुआ नहीं है, हम आपको उसको निकाल कर दिखाते हैं। मैक्रोनी हो गई है, अब इसका हम पानी छान देंगे और मैक्रोनी अलग कर लेंगे। मैंने ये 3 पीसेस तंदूरी चिकन के लिए हैं, मैंने इसका भी वीडियो बना के डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पहले से मैंने इसको बना के रख लिया था, अब इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूंगी, इसको मैं श्रेड कर लूंगी। ये इस तरह से हमने चिकन के पीसेस कर लिए हैं, उसको हम फर्दर उसको और छोटा छोटा कैंची से कर रहे हैं ताकि इवनली वो पूरा पूरे में मैक्रोनी में स्प्रेड हो जाएगा। अभी हमारा चिकन श्रेड तैयार है, हमारा ये टमाटर भी भुन गया है, आप देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम ये चिकन डाल देते हैं। अच्छे से इसको भी इस टमाटर की ग्रेवी में इसको मिक्स कर लेंगे। इसको 2-3 मिनट हमने भुना है मुर्गे के साथ, अब हम मैक्रोनी डालेंगे इसमें। आज घर में सब लोग इसी का डिनर करेंगे, 5-6 लोगों के हिसाब से इसको बना रहे हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से ये भी मिक्स हो गया है। अब 2-3 मिनट हम इसके ग्रेवी के साथ और चिकन के साथ मैक्रोनी को भूनेंगे। अब इसमें हम ये काले मिर्च को छिड़क रहे हैं, 3/4 चम्मच हमने ये काली मिर्च डाली है, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च आप बिल्कुल लास्ट में डालिएगा, सर्व करने से पहले जब आपका डिश बिल्कुल तैयार हो गया, काली मिर्च आप तभी डालिएगा। अभी हमारा रेडी है, काली मिर्च भी हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। तंदूरी चिकन मैक्रोनी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकन है, आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।